नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। BRLPSGV का पटना ने निकाली रख दिया। बिहार में मिले COVID-19 के 10 से ज्यादा मामले। नल जल योजना में छूटे घर और टोलों को लेकर मांगी गई कार्य योजना। बिहार में इस दिन दस्तक दे सकता है मॉनसून। लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से किया खास आवाहन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रूरल लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी BRLPSGV का पटना ने निकाली रख दिया। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी BRLPSGV का पटना ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO, लेखाकार, डोमेन विशेषज्ञ, FPO, समन्वयक के कुल मिलाकर 37 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या स्नातक या डिप्लोमा या BSc या BCA या BTech या BCom या BBA या MBA या CA या CS प्रासंगिक विषय जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि, कृषि व्यवसाय प्रबंधन, कृषि विपणन, ग्रामीण विकास, सामाजिक कार्य, वाणिज्य, लेखा आदि की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 25 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने किया ऐलान। बिहार में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी लगातार काम करते हुए नजर आए हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से शिक्षा में सुधार लाने के लिए उन्होंने बीते दिन एक खास पहल की शुरुआत की, जिसके तहत ही राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों का एक दिवसीय समीक्षात्मक रविवार को आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा पहला टीम वर्क के रूप में विभाग की छवि सुधारना है और चाइल्ड फर्स्ट के साथ साथ टीचर फर्स्ट नीति अपनाते हुए यह प्रयास करना है कि न केवल सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले बल्कि उन्हें शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को भी अपने नियमित कार्यों में से किसी प्रकार की कठिनाई कार्यालय के स्तर से उत्पन्न न हो। बिहार में मिले COVID-19 के 10 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 17 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 115 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 1, कैमूर में 1, पटना में 8, रोहतास में 1, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 1, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 1 मामले की पुष्टि हुई। इसके अलावा एक ऐसे मरीज की भी पुष्टि हुई है जिसके सैंपल बिहार में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 93,300 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 6 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। अब नदियों के रास्ते भी नहीं हो पाएगी शराब तस्करी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन उसके बावजूद शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला पदाधिकारी पटना चंद्रशेखर सिंह की तरफ से बीते दिन जनार्दन घाट दीघा पटना में नया मोटर बोट का शुभारंभ किया गया। ये मोटर बोट एक स्पीड मोटर बोट है जो ड्रोन कैमरा, नाइट विजन, थर्मल विजन और GPS सिस्टम से लैस है। मोटर बोट के छत पर एक लॉन्चिंग पैड है जहां से ड्रोन टेक ऑफ ऑनलाइन कर सकता है। जिलाधिकारी की माने तो इससे नदी गश्ती और छापेमारी कार्य को कुशलतापूर्वक करने में सहायता मिलेगी। ये मोटर बोट नदी के सभी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेगा और नदी मार्ग से अवैध शराब ले जाने वालों का पीछा कर पकड़ेगा। शराबबंदी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र सुदृढ़ और सक्रिय है। बड़े पैमाने पर गंगा और सोन नदी सहित सभी नदी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कराई जाएगी। नल जल योजना में छूटे घरों टोलों को लेकर मांगी गई कार्य योजना। बिहार के 4,000 ग्राम पंचायतों में नल जल योजना का सोशल ऑडिट लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने करवाने की पहल शुरू कर दी है। इनमें 1500 से अधिक पंचायतों में ये काम पूरा कर लिया गया है। ऑडिट में कॉमन बातें ये आई हैं कि पंचायतों में कुछ घर अब भी नल जल योजना से वंचित है। विभाग इसी आधार पर जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दे रहा है कि वो कार्य योजना बनाकर भेजे कि वहां अब कौन कौन से कार्य आगे करने हैं, ताकि उसके आधार पर विभाग द्वारा दिशा निर्देश देकर कार्य पूरा कराया जा सके। जो भी इस योजना से वंचित है उन तक नल जल का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में जल प्रबंधन का दिखा अद्भुत मॉडल। पानी की कमी झेल रहे बिहार में जल प्रबंधन का अद्भुत मॉडल देखने को मिला और ये चमत्कार दिखा है नालंदा विश्वविद्यालय में। पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर 456 एकड़ में बन रहे नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के 100 एकड़ क्षेत्र में सिर्फ तालाब और वाटर स्टोरेज प्लांट है। इनकी गहराई 5 मीटर तक है। इनमें 8.5 करोड़ लीटर पानी संरक्षित है। 100 एकड़ में 12 तालाब है। कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार यहाँ पर भूगर्भ से एक बूंद जल नहीं लिया जाता है। विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में समय यहाँ करीब 3,500 से ज्यादा श्रमिक रह रहे हैं। छात्र शिक्षकों की संख्या भी करीब 1,000 है। इस समय यहाँ 32 देश के छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही पानी की सारी आपूर्ति तालाबों से ही हो रही है। आलम कुछ यूं है कि यहाँ पर 20 लाख लीटर क्षमता का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। परिसर में एक भी बोरिंग नहीं है। नहाने से लेकर भोजन पकाने और पानी तक में इसी पानी का प्रयोग किया जाता है।
वेतन पेंशन को लेकर बिहार के मंत्री ने दिया अल्टीमेटम। बिहार के मंत्री ने अब 18 जून से जिलों में कैंप लगाकर शिक्षकों और विभागीय कर्मियों से जुड़े सभी तरह के वादों के निष्पादन का आदेश जारी कर दिया है के तहत ही विभागीय स्तर पर वेतन और पेंशन आदि के लंबित मामलों और न्यायालयों में मुकदमों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर के निर्देश ही जारी किया गया। इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस दौरान सभी 38 जिलों में लंबित मामलों का 45 दिन में निष्पादन का अल्टीमेटम दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोताही होने पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, जिलों में हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी, इसे कोई मामला लंबित नहीं रह सकेगा। इस दौरान उन्होंने अफसरों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की नसीहत दी है। बिहार में इस दिन दस्तक दे सकता है मॉनसून। भीषण गर्मी और उमस का सामना कर रहे बिहार वासियों को अब बस कुछ दिनों और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार मॉनसून के फुहारे 17 जून से देखने को मिलने वाले हैं और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि अभी आने वाले 2 से 3 दिनों तक लोगों को गर्मी का एहसास होने वाला है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4 दिन में पश्चिमोत्तर भारत में अधिकतम तापमान में किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है। 16 जून से 22 जून के बीच अधिकतम तापमान सामान्य से कम या सामान्य के निकट रहने की संभावना है। 16 से 22 जून के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने का अनुमान नहीं है। बिहार के 28 स्टेशनों पर रोजगार का मौका। आने वाले समय में बिहार के 28 स्टेशनों पर रोजगार का मौका मिलने वाला है। समस्तीपुर रेल मंडल के 10 जिलों के 28 रेलवे स्टेशन पर बेरोजगार युवाओं को टिकट बुकिंग के लिए बहाल किया जाएगा। इसको लेकर पूर्वोत्तर रेलवे ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। प्रावधान के अनुसार इन स्टेशनों पर कमीशन बेस पर जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को रेल मंडल के चिन्हित स्टेशन पर साधारण टिकट काटने का अधिकार दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेल मंडल के समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, रक्सौल, बापूधाम, मोतिहारी, जयनगर, सीतामढ़ी, बेतिया, मधुबनी, नरकटियागंज, जनकपुर रोड, दौराम, मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर, रुसेरा घाट, सिमरी, बख्तियारपुर, चकिया, सगौली, बघा, बैरगनिया, हरिनगर, मनमनखी, सकरी समेत कई स्टेशन के लिए JTBS का चयन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि रेलवे टिकट काउंटर पर निजी लोगों को भी विभिन्न कार्यों के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेपाल में हुई बारिश से गंडक में छोड़ा गया पानी। नेपाल में इन दिनों बारिश का मंजर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसको लेकर बिहार में जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि उनकी चिंता बिहार में हो रही बारिश से ज्यादा नेपाल में हो रही बारिश से होती है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी में काफी पानी आ गया है। विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सीमांचल के भी कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से काफी बारिश हुई। विभाग यहां 24 घंटा अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जून के पहले सप्ताह में हुई बारिश को लेकर उन्होंने कहा कि यह जलवायु परिवर्तन का असर है। वो सोचते थे कि 15 जुलाई के बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है या फिर अगस्त में ये देखने को मिलता है, लेकिन अब बारिश का कोई भी समय नहीं रह गया। फ्लड कब आएगा कोई नहीं बता सकता। साहित्यकार नृपेंद्रनाथ गुप्ता का निधन। बीते दिन हिंदी के वयोवृद्ध साहित्य सेवी और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के वरीय उपाध्यक्ष नृपेंद्रनाथ गुप्ता का निधन हो गया। रविवार सुबह 10 बजे पटना के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वो 88 वर्ष के थे। खबर के अनुसार पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। उनके निधन का समाचार फैलते ही साहित्य और प्रबुद्ध समाज में शोक की लहर फैल गई है। नृपेंद्रनाथ गुप्त साहित्यिक त्रैमासिक भाषा भारती संवाद के प्रधान संपादक भी थे। सोमवार को गुलबी घाट पर उनका अग्नि संस्कार होगा। बड़े बेटे आलोक कुमार उन्हें मुखाग्नि देंगे। साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने बताया कि गुप्त ने निधन से हिंदी ने अपना अनन्य सेवक और उन्होंने अपना आत्मीय शुभेक्षु सहयोगी एवं मार्गदर्शक खो दिया है। हिंदी के लिए उनके मन में जो त्याग की भावना थी वो दूसरों में कम दिखाई देती है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत झा की। लक्ष्मीकांत झा बिहार के दरभंगा जिले में पैदा हुए। MBE या फिर LK झा उन्हें प्यार से बुलाया जाता है। 1 जुलाई 1967 से 3 मई 1970 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 8वें गवर्नर थे। झा भारतीय सिविल के 1936 बैच के सदस्य थे। उन्होंने BHU वाराणसी, ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स UK में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कैम्ब्रिज में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जब कीन्स वहां पढ़ा रहे थे। उनके कार्यकाल के दौरान महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भारतीय रुपये के प्रतीक SVJ 2, 5, 10 और 100 के मूल्य वर्ग के भारतीय रुपये के नोट 2 अक्टूबर 1969 को जारी किए गए थे। ये नोटों पर उनके हस्ताक्षर है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। बिहार के इतने लोगों को मिला जमीन का पर्चा। बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय ने बीते दिन स्महरनाले में 272 भूमिहीनों के बीच जमीन का पर्चा वितरित किया है। इसको लेकर वो बीते दिन कैमूर पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को छत बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लाभुक है जो जमीन के अभाव से मकान नहीं बना पा रहे। ऐसे लोगों को चिन्हित कर 3 से 5 डिसमल जमीन मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा मंत्री रामसूरत रॉय ने कहा कि पूरे बिहार में अभियान चलाकर प्रत्येक जिले में 200 से
400 लोगों को भूमि आवंटित की जा रही है ताकि जमीन पर अपना मकान बना सके। बिहार सरकार एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है जिसके तहत गांव में एक बड़ा प्लॉट चयनित किया जाएगा, उसे एक्वायर किया जाएगा, जिसके बाद 3 से लेकर 5 डिसमल जमीन भूमिहीनों के बीच आवंटित की जाएगी। चंपारण को नीतीश कुमार ने दिया एक और उपहार। चंपारण वासियों को बिहार की नीतीश सरकार ने एक और उपहार दिया है जिसके तहत ही चंपारण को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार के प्रयास अब रंग दिखाने लगे हैं। प्रकृति की गोद में बसे वाल्मीकि नगर तक पर्यटकों को न सिर्फ ले जाया जा रहा है बल्कि सरकार उनके वहां ठहरने की भी व्यवस्था कर रही है। दक्षिण बिहार आने वाले पर्यटक चंपारण जैसी जगह पर इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वहां ठहरने की सही व्यवस्था नहीं है और सुबह जाकर शाम में पटना लौट आना काफी थकान भरा सफर हो जाता है। ऐसे में चंपारण में ठहरने की व्यवस्था की कमी सबको महसूस हो रही थी, जिसके बाद ही बिहार के नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है कि वाल्मीकि नगर के 25 एकड़ भूभाग में आधुनिक एवं उच्च कोटि का वाल्मीकि सभागार और गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। इस गेस्ट हाउस के निर्माण शुरू कराने के लिए सचिव भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक का आयोजन भी किया गया था। मधुबनी के सौराठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मधुबनी का सौराठ जगह दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक है सोमनाथ मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग गुजरात के सोमनाथ से लाया गया है। सौराठ का नाम भी गुजरात के सौराष्ट्र से मिलता जुलता है। सोमनाथ से शिवलिंग लाए जाने के कारण इस जगह का नाम सौराठ पड़ा, जो सौराष्ट्र का ही अपभ्रंश है। दूसरी है प्रसिद्ध सौराठ सभा में शादी के लिए इच्छुक वर वधु के परिजन जुटते थे। अषाढ़ में लगने वाली इस सभा में प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों ब्राह्मण पहुंचते थे। इसमें वैवाहिक संबंध तय होते थे, बिना किसी तामझाम और दहेज शादी होती थी। इस सभा की शुरुआत तत्कालीन राजा हरि सिंह देव ने लगभग 700 साल पहले 1310 ईसा में किया था। हालांकि यह सभा पहले की तरह नहीं रही, परंतु अभी इस प्रथा को वहां के लोगों द्वारा जिंदा रखा गया है। बिहार के चावलों की विदेशों तक फैल रही खुशबू। बिहार में किसान बड़े पैमाने पर धान की खेती करने का काम करते हैं। ऐसे में किसान धान की परंपरागत किस्मों के साथ साथ अब सुगंधित धान की किस्मों की तरफ भी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप से ही अब यहां के चावल की खुशबू विदेशों में भी पहुंच रही है। सबसे खास बात यह है कि इन चावलों का स्वाद अलग होने के कारण इसकी मांग हर तरफ से हो रही है, चाहे वो देश का कोई बड़ा शहर हो या विदेश। अब धान के नई किस्मों की खेती कर राज्य के किसान एक नई कहानी लिख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार राज्य बीज निगम के अनुसार राज्य में मगध क्षेत्र में किसान कस्तूरी एवं बासमती चावल की खेती खूब कर रहे हैं। बिहार में यहाँ के दो थानों को किया जाएगा विकसित। बिहार की राजधानी पटना में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को देखते हुए बिहार पुलिस भी अब सजग हो गई है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पुलिस थानों को यहाँ विकसित करने का काम भी हो रहा है, जिसके तहत ही राजीव नगर और रुपसपुर थाना जल्द ही बड़े थाने के रूप में विकसित करने की तैयारी हो रही है। वर्तमान समय की बात करें तो अभी दोनों थानों की कमान सब इंस्पेक्टर संभाल रहे हैं, लेकिन जल्द ही इंस्पेक्टर रैंक के अफसर दिखाई देंगे। इसके बाद डुमरा और दानापुर सर्किल इंस्पेक्टर के पद समाप्त हो जाएंगे। खास बात यह है कि इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। राजीव नगर थाने की बिल्डिंग भी बन चुकी है, जिसे जून के आखिरी सप्ताह तक हस्तांतरित किया जाएगा। बिहार में ईख कवरेज क्षेत्र बढ़ाने के लिए तैनात किए गए अफसर। बिहार में गन्ने की खेती के रकबे में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसी को रोकने के लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है। राज्य में पहले के 3 लाख हेक्टेयर की जगह अभी 2.4 लाख हेक्टेयर की ईख का उत्पादन ही रह गया है। इसी रकबे को बढ़ाकर अब 4 लाख करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। इस तरह मौजूदा अक्षादन क्षेत्र में 66.66 की वृद्धि की जानी है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गन्ना उद्योग विभाग ने राज्य के सभी 10 चीनी मिलों के लिए अपने एक एक अधिकारी की तैनाती कर दी है। ये अधिकारी सहायक निदेशक, उपनिदेशक और ईख पदाधिकारी स्तर के हैं। पीएम किसान निधि के 51,000 फर्जी लाभार्थियों से पैसा वसूली करेगी नीतीश सरकार। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले लोगों में कई फर्जी लाभार्थी भी अब तक सामने आ चुके हैं। इसी बीच फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले लोगों के लिए बुरी खबर सामने। इन किसानों की संख्या 51,000 है। इनमें से काफी किसान तो ऐसे भी है जो अपना हर साल आयकर भरते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान निधि का लाभ उठा रहे हैं। इन सभी किसानों से जून महीने के आखिरी सप्ताह तक पैसे वापस लौटाने के लिए कहा गया है। फर्जी तरह से लाभ लेने वाले सभी किसानों को पैसे लौटाने का सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से किया खास आह्वान। लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्मदिन के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा है, जिसके तहत इन्होंने जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने वालों को धन्यवाद दिया और सोशल मीडिया के जरिए एक पत्र जारी कर सामाजिक न्याय के लिए लगातार संघर्षरत रहने की बात कही है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं जीवन भर लड़ता रहा और समय आ गया है कि उठो और तुम भी संघर्ष करो। मुझे हर्ष है कि आप सबों ने कल मेरे जन्मदिन के मौके पर असीम प्यार और अनंत शुभकामनाएं दी, गरीबों को भोजन करवाया, शासन अंग वस्त्र और पठन पाठन सामग्री बाटी, पौधारोपण और रक्तदान कर सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस मनाया। आपका कैसे आभार व्यक्त करूं, आपके अपनत्व और स्नेह ने हर शब्द को बौना कर दिया है। इस असीम शुभकामनाओं के लिए आपको हृदय कोटि से धन्यवाद।
केवाई और अकाउंट अपडेट के नाम पर शुरू हुआ फ्रॉड। डिजिटल लेन देन के मामले में हाल ही में भारत में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत में यूपीआई लेन देन के मामले में मई 2022 में 10 लाख करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर लिया, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इस दौरान डिजिटल फ्रॉड के मामले में इजाफा हुआ है। ऐसे में डिजिटल लेन देन के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अनजान नंबर से पेमेंट एक्सेप्ट करने की भूल ना करें। हमेशा इससे पहले ध्यान जरूर देखें और यूपीआई एप्लीकेशन काफी ज्यादा मौजूद है जो कि फेक होते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि आप इस झमेले में ना फंसे। इसके अलावा यूपीआई और यूपीआई पिन कोड को शेयर ना करें, साथ ही यूपीआई पिन चेंज भी करते रहे और यूपीआई लिमिट भी सेट कर दे। इन आसान तरीकों को अपनाकर आप यूपीआई पेमेंट सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। जलालुद्दीन फिरोज शाह 1420 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। भारतीय उधम सिंह को 1940 में लंदन में फांसी दे दी गई। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में पनडुब्बी के द्वारा जर्मनी से टोक्यो की यात्रा शुरू की। दिल्ली के उपहार सिनेमाघर में 1997 को आग लगने से 59 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। ईरान 2009 के अंत में 25 वर्षों के लिए भारत को तरल प्राकृतिक गैस का निर्यात करने पर 2005 में सहमत हुआ। क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर का जन्म 1879 में हुआ। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का जन्म 1923 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध लेखक उपन्यासकार नाटककार आलोचक और व्यंगकार मुद्रा राक्षस का निधन 2016 में हुआ। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 12 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,410 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,810 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 107.24 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 94.04 रुपए प्रति लीटर थे। बिहार में खनन बंद होने के 11 दिन में दोगुनी हुई बालू की कीमत। बिहार में बारिश को देखते हुए ही बालू खनन के काम को 1 जून से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद से 11 दिन में बालू की कीमत दोगुनी हो गई है। इसका सीधा असर भवन निर्माण सेक्टर पर पड़ा है। खासकर निजी भवन के निर्माण की लागत बढ़ने से लोग परेशान हैं। ये स्थिति बालू खनन फिर से शुरू नहीं होने तक बनी रहने की संभावना है। दूसरी तरफ खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में 16 करोड़ CFT बालू के भंडारण का दावा किया है और इसे खपत के अनुसार दिसंबर 2022 तक के लिए पर्याप्त बताया। हालांकि अभी बालू खनन का काम शुरू नहीं होने वाला। समय आने पर नए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर सभी नदी घाटों के नए सिरे से बंदोबस्ती होने के बाद नए बंदोबस्तधारी अब बालू का खनन शुरू करेंगे। साउथ अफ्रीका ने दूसरे T20 में भारत को 4 विकेट से हराया। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा T20 मुकाबला 4 विकेट से हार गई। क्रिकेट के 3 फॉर्मेट को मिलाकर ये भारत की साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार 7वीं हार है। इससे पहले भारत को साउथ अफ्रीका दौरे पर लगातार 2 टेस्ट और 3 वनडे मैच में हार झेलनी पड़ी थी। कटक में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 148 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 40 रनों की पारी खेली। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 18.2 ओवर में 6 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीका के लिए हेनरिक क्लोसन ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 46 गेंद में 81 रन बनाए। और द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है प्रिया, ललन मोटिव, गौतम कुमार, विजय घायल, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, रजत कुमार, विजय कुमार, नीतीश कुमार, राजकुमार, बसंत कुमार, अनवर करीम, राजीव कुमार, अशोक ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना के वर्तमान माहौल को देखते हुए क्या कोरोना से बचाव को लेकर गाइडलाइन को फिर से लागू कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।